मुझसे बार बार बहुत से लोग आजकल पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि किसी भी जीवित व्यक्ति को अपना रोल मॉडल ना बनाए। इसके जवाब में आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये बनारस की कहानी है कि एक सन्यासी था, बहुत सुंदर युवा सन्यासी। वो रोज अपने पूजा अर्चना के लिए गंगा नदी के किनारे तक जाते थे अपने आश्रम से। लेकिन जिस रास्ते से वो रोज जाते थे, उस रास्ते में एक कोठा भी पड़ता था जिसमें उस समय की सबसे सुंदर नर्तकी रहती थी। तो उस नर्तकी ने जब एक दिन इस सन्यासी को देखा तो उसको देखते ही रह गई, बिकॉज उनका जो मनमोहक व्यक्तित्व था और जो उनके चेहरे का ओज तेज था, वो नर्तकी उनको देखती ही रह गई। और अब वो रोज जब वो सन्यासी वहां से गुजरे तो वो रोज उसको अपने घर की छत से देखती थी, और जब वो नीचे से गुजरते थे तो वो एक ही सवाल पूछती थी कि बाबा कच्चे हो या पक्के हो, कच्चे हो या पक्के हो। और वो सन्यासी रोज इस सवाल को सुन के बस एक मुस्कुराहट के साथ वहां से चले जाते थे, इसका कभी कोई जवाब नहीं दिया। और इस बात को 15-20 वर्ष तक निरंतर ऐसा चलता रहा। फिर जब सन्यासी अपनी मृत्यु शैया पे थे, जब उन्हें पता चल गया कि अब मेरा अंतिम समय बिल्कुल आ गया है, तो उनकी इच्छा थी कि वो गंगा नदी के किनारे प्राण त्याग करें। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे ले चलो, लेकिन मुझे एक मिनट के लिए उस नर्तकी का जो घर है उसके नीचे एक मिनट के लिए मेरी यात्रा को रोकें। लोग बड़े हैरान हुए कि ऐसा सन्यासी, इतना महान व्यक्तित्व, एक नर्तकी के कोठे के नीचे अंतिम समय में क्यों रुकना चाहता है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और जब ये इनकी यात्रा वहां पहुंची, जबकि ये मृत्यु शैया पे हैं, तो नर्तकी को जब ये मालूम हुआ तो वो भी बड़ा दुखी मन से फिर वहीं पर आई और उसने फिर वही सवाल पूछा, कच्चे हो या पक्के हो। लेकिन आज सन्यासी ने जवाब दिया कि सुन बालिका, पक्का। तो नर्तकी हैरान हुई, उसने कहा कि महाराज, जब यही जवाब था तो मुझे 15-20 वर्ष पहले क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि देख, तब तक मैं जीवित था, मेरा जीवन बाकी था, और जब तक किसी का जीवन बाकी है, कुछ नहीं पता, प्रभु की इच्छा है, उसके जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो तब मैं पक्का नहीं था कि आगे भी ऐसा रह पाऊंगा, लेकिन आज क्योंकि मेरा जीवन लगभग समापन पर है तो मैं तुझे बताता हूं, हाँ पक्का। तो इस कहानी से मेरा तात्पर्य यह है कि देखिए, जीवन अनिश्चित है, अनिश्चितताओं से भरा है। जो व्यक्ति आज कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है, एक पर्टिकुलर मुकाम पर है, जरूरी नहीं है कि कल भी वो उस मुकाम पर रह पाए। लेकिन यदि आप किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में कुछ गिरावट आ जाती है, तो उससे आप अपने उद्देश्य से विमुख ना हो जाएं, आप अपनी कुछ वैल्यू सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज ना कर लें। इससे बचने का तरीका है कि किसी भी जीवित व्यक्ति को रोल मॉडल ना बनाएं। लेकिन फिर भी यदि आपसे नहीं रहा जाता, तो मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो किसी के रोल मॉडल बन गए हैं, जिनके फैंस हो जाते हैं। आपने सुना होगा, बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है, जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है अपने जैसे लोगों से कि देखिए, जब आपका कोई फैन बने तो पहले तो उसको प्रेम से समझाएं कि आप हमारे फ्रेंड बनिए, हमारे शुभचिंतक रहिए, फैन बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो आप उनकी ना समझी को समझें, लेकिन अपने दिमाग में ये अहंकार ना लाएं कि मैं हमेशा ही ऐसा बना रहूंगा। तो आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, अपने आदर्श चुनते समय ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति को आदर्श चुने जिनका जीवन उन्होंने उन आदर्श मूल्यों के साथ जी चुके हों। सोचिए।